महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। राजनीति में जब जब धर्म का प्रवेश होता है तो राजनीति नीचे से उठकर ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। जात पात का भेद खत्म हो जाता है, छोटे बड़े का अंतर खत्म हो जाता है, वह समाज राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ जाता है। पर इसी राजनीति में जब झूठियां सीखी जाती है दूसरों की बलि बनाई जाती है, पर जब यहां पर धर्म के अंदर राजनीति का प्रवेश होता है तो वह धर्म रसातल की ओर जाने में उसे कोई रोक नहीं सकता। मुनि श्री सुधार सागर जी की बातों में कहूं तो दो शब्द में कहते हैं वो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय हमें बात कर रहे हैं मंगलाचरण में हो रही छेड़छाड़ की। मुनि श्री सौरभ सागर जी दिगंबरत्व को श्रेष्ठता के उत्तम पद पर ले जाना चाहते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। पर जिस तरह से उन्होंने मंगलम पुष्पदंतयो पुस्तक में अपनी कई बेतुकी बातें कहकर आध्यात्म के श्रेष्ठतम आचार्य श्री कुंद कुंद पर टीका टिप्पणी की है, उसकी हम सभी समाज तीव्र भर्त्सना करता है। हम ही नहीं, सभी साधु वर्ग और विद्वत वर्ग जिनसे चैनल महालक्ष्मी ने चर्चा की है सभी ने एक स्वर से इसको नकारा है। वर्तमान के सर्ववंदनीय दो आचार्य श्री विद्यानंद जी और आचार्य श्री विद्यासागर जी के भी इसके विरोध की पुष्टि तब हो जाती है जब आचार्य श्री विद्यासागर जी के सुयोग्य शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और आचार्य श्री विद्यानंद जी के सुयोग्य आचार्य शिष्य श्री शुद्ध सागर जी, श्री वसुनंदी जी, श्री प्रज्ञा सागर जी एक स्वर से इस छेड़छाड़ की पुस्तक में लिखी बातों का पुरजोर विरोध करते हैं। इस विरोध के साथ ही आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, एलाचार्य श्री अतिवीर जी और त्रिलोक भूषण जी भी इसकी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी सहित ब्रह्मचारी जैनिशान जी, डॉक्टर शीतल प्रसाद जी, डॉक्टर जय कुमार जी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर संघ के जब बैठक हुई थी विद्युत गोष्ठी की, डॉक्टर रतनलाल बेराड़ा, डॉक्टर सुरेंद्र भारती, डॉक्टर रूपन जैन, डॉक्टर अनिल जैन, ब्रह्मचारी चंद्र प्रकाश जी, ब्रह्मचारी विनोद पपोरा जी, विनोद सरद रजवान जी, सी एल बगड़ा आदि बहुत लंबी सूची हमारे पास जिन्होंने इसको एक स्वर से निकाला है। मुनिश्री इस पर हम दो एपिसोड पहले दे चुके हैं, समाज को बता चुके हैं दो एपिसोड पर, लेकिन आज हम तीसरे एपिसोड में आपको इसके बारे में और जानकारियां आगे दे रहे हैं। मंगलम पुष्पदंतयो पुस्तक में मुनिश्री ने प्रश्न 59 पर नकल को बनाया। असल में आपने दावा किया है मुनिश्री कि यह हिंदू मंगलाचरण की नकल की है। भाई वाह, जिस पर इतिहास भी मौन है, जिस धर्म को सबसे प्राचीन अनादि निधन सनातन कहा जाता है, उसी में जन्मे पले और उसी की खाते हुए गुणगान गाते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए उसी के मंगलाचरण पर अंगुली उठा दी। मुर्गी पहले आई या अंडा, यह तो कोई आज तक नहीं बताया पाया, पर आपको कहां से इतना ज्ञान हो गया जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकरों को ऐसा ज्ञान होता रहा था। आपने उसी मंगलाचरण को उस मूल मंगलाचरण में जिस तरह से कट पेस्ट किया है, कुंद कुंद की जगह बस पुष्प दंत जोड़ दिया है, उससे तो आपके द्वारा लिखी 23 पुस्तकों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो रची गई थी या महज कट पेस्ट, हमें ये कहना पड़ रहा है। आपके भक्तों से क्षमा मांगूंगा क्योंकि वे जल्दी भड़क जाते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न 55 पर लिखा है, कुछ लोगों के लिए इस लाल वस्त्र के समान है जिसे देखकर सांड भी भड़क जाता है। बस मैं तो वही दोहरा रहा हूं, इसलिए आपके प्रिय भक्त भड़के नहीं, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं, पर गलत स्वीकारने के लिए अंधभक्ति से दूर रहता हूं। अभी हाल में मुनि सागर जी ने, सुधा सागर जी ने आपके लिए क्या कहा, इस बात पर पहले जरा वह सुन लेते हैं। जब व्यक्ति स्वयं की इज्जत नहीं कमा सकता तो दूसरे के बैनर पर अपनी इज्जत कमाना चाहता है। आज कोई नकली माल बेचना चाहता है तो अपना स्वयं के नाम से तो माल बिकेगा नहीं, तो कोई रेपुटेड व्यक्ति के नाम का माल लेकर के, लेबर लेकर के बेचने का प्रयास करता है, और भीलवाड़ा तो इस कार्य में बहुत प्रसिद्ध रहा है। माल भीलवाड़ा का है लेकिन लेबल कोई अच्छी कंपनियों का ले लेते, ऐसा पेपरों में कई बार आ जाता है। तो ऐसे ही आज धर्म क्षेत्र में चल रहा है, कई लोग स्वयं की किताब को तो छापते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं, तो दूसरों की किताबों की नकल करके यहाँ वहाँ करके फिर अपने नाम से छाप देते। ऐसा ही इस मंगल पाठ के साथ हुआ। मंगल पाठ प्राचीन है, इसकी प्राचीनता कुछ नहीं, हर व्यक्ति की कहता मैं सुनता हूँ, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो अथवा कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु, और ये सबने सुना है। अभी 5-7 साल से किसी साधु ने कहा नहीं पुष्पदंताद्य होना चाहिए। अरे दूसरे के श्लोक को सुधारने का हमें अधिकार क्या है? कुछ भी लिखा उसमें, भले पुष्पदंत आचार्य पहले के रहे होंगे, तो उससे पहले तो धर्मसेन स्वामी रहे,
जो पुरुषोत्तम भूत बलि के गुरु थे। धर्मसेन से पहले भद्रवायु स्वामी रहे, भद्रवायु स्वामी से 5 सूत्र रहे, गणधर परमेष्ठी रहे और भगवान भी रहे। तो पहले तो भगवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम भद्रवायु स्वामी ना लिखो ना, नहीं किसी के श्लोक को सबसे बड़ी नैतिकता यह है कि चाहे वो आगे हो चाहे के पीछे हो, यदि किसी लेखक ने अपनी जिंदगी में किसी को मंगल माना है तो आप उसको सुधारने के अधिकारी नहीं है। जैसे आप एक किसी व्यक्ति ने श्लोक में लिख दिया वो विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम आदि आता ना, अब कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु ते मंगलम, तो कोई बात है नहीं, लेखक ने लिखा है, आप उस श्लोक में नहीं सुधार सकते। ये बहुत बड़ा ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। यदि आपको लिखना है तो आप नया श्लोक लिख दो ना पुष्पदंत महाराज पर, दूसरे के श्लोक पर अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते हैं, उसी श्लोक को क्यों सुधार रहे हो। उसने कितनी आस्था से लिखा था, कितनी श्रद्धा से लिखा था, कुंदकुंद स्वामी उसके इष्ट थे, हम कुंदकुंद के स्वामी को सुधारने के अधिकारी नहीं है। हाँ यदि हमें पुष्पदंत महाराज को मंगल मानना है तो हम एक नया श्लोक बना ले, उसमें कोई नया परिवर्तन कर ले, लेकिन वो इसलिए नहीं बना सकते हैं कि उनके नए श्लोक को कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी इज्जत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सोचा ये इज्जतमान श्लोक है, इसी में कुंदकुंद को ये बहुत बड़ा निर्णय है। किसी के लिखी हुई किताब में से एक अक्षर भी घटा बढ़ा देना बहुत बड़ा निर्णय है। उसने कुंदकुंद आदि लिखा है, हम उसको मिटाने के क्या अधिकार हैं, कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल अनैतिक है, निर्णय है, ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। सारे भारत से मेरा कहना है इस श्लोक में किंचित मात्र भी परिवर्तन न करें। आप प्रश्न उठाते हैं कुंदकुंद के परिचय पर, कौंडेश ग्वाला की कथा झूठी है, कौन से अवधि ज्ञानी थे जिन्होंने यह मथा कथा गढ़ी, घटना का समय क्या है, अरे कौन से तीर्थंकर थे, किसने कहा वह कुंदकुंद बनेगा, कितनी पर्याय भवावरण किए, किस जंगल में ग्रंथ मिला, किसको ग्रंथ दिया। इसके साथ और भी सवाल पर शंका हो सकती है महाराज, महावीर पूर्व जन्म में भील थे, असंख्य भव क्या थे उनके, किसने देखे हैं, क्या दो शेरों को एक शेर को दो मुनि प्रवचन दे सकते हैं और सुधर जाए, छोड़ दे मां साहब, क्या संभव है। आज केवल 44.5 लाख हैं हम, और नमीना जी में 45-55 करोड़ की बारात ले गए, क्या संभव है। शिखर जी से सारे ही तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे, क्यों वहीं से क्यों जाते हैं, अयोध्या में ही सारों का जन्म होगा तो अवसर पर ही कहने कुछ कम रह गए, क्या इस प्रैक्टिकली है, कौन है किसने कहा है, सवाल उठा सकते हैं। पार्श्वनाथ पूर्व भव में 10 वर्ष पहले मरुभूति के जीव थे, उनकी पत्नी से गलत काम किया और वो माफ कर गए, हर वर्ष में माफ करते रहे वो, क्या ये संभव है, कोई आगे पीटता है कोई संभव करता है। इस तरह की बेतु के बातें हर कोई उठा सकता है, जब एक बात पर हम शास्त्र आगम पर विश्वास नहीं करते तो हमारे मन में शंकाओं का जो ढेर होता है तो लगता है हमारा सम्यक दर्शन तो रहा ही नहीं। कुतर्क सो बहुत हो सकते हैं जब हमारी श्रद्धा पर श्रद्धा जो हमारी छिन्न भिन्न हो जाती है या मान सिर पर चढ़कर बोलता है तब कुछ भी कोई सवाल उठा सकता है। जरा पहले आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी सुन लें इसके बारे में विचार। मंगलाचरण को बदलना क्या ठीक है, कोई भी बदले क्या सही परंपरा होती है क्या? किसी भी आचार्य के शब्द को अपने आप बदल नहीं सकते हैं आप, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध बनता है, किसी के छंद में किसी के नाम को निकाल लेना, जैसे आजकल लोग क्या बोलते हैं तुमसे लागी लगन गाते हैं और पंकज व्याकुल हुआ तो पंकज शब्द निकाल देते हैं, गलत बात, सेवा शब्द ले आते हैं, नाथू राम निकाल देते हैं बिना पाठ से वहां पर किसी, तो ये तो निहन्नव नाम का दोष लगा कि किसी की कृति के उससे नाम निकाल देना महापाप है, माने कितनी बड़ी मायाचारी अनंतानंदी वाली मायाचारी होती है, किसी के नाम को छपाना किसी के नाम को निकालना ये अनंतानंदी कसाय मिथ्या दृष्टि की भावना होती है, और ऐसे ही कुंद के नाम को निकाल करके किसी अन्य के नाम डालना अपनी कसाय पर ये मिथ्यात् का ही पोषण करने वाला जीव होता है। प्रश्न 38 पर आपने इस मंथन को कुमार की माटी की कीचड़ और शेष सभी महाराजों को सभी को गटर का कीचड़ बताते हुए नहीं रुके, आप तो आपने लिख दिया पर सत्य को स्वीकार नहीं करने वालों द्वारा निर्मित कीचड़ गटर का कीचड़ है जो मात्र दुर्गंधी देगा, भीतर ही बंद रह जाएगी
उससे उत्पन्न जहरी गैस भी दे सकती है। जहां कीचड़ होगी वह वहां के वातावरण को ही प्रदूषित करेगी। यह मानवीय गंदगी है जो और भी घृणास्पद है। प्रश्न 34 पर आप संतों को मछली बताते हैं, भक्तों और श्रावकों को जल बताते हैं, यानी बिना भक्त के संत की कल्पना नहीं की जा सकती। पर यहां विद्वानों को चारों ओर मंडराते बगुले कहने से भी नहीं चूकते, जो चारों ओर आंखें गड़ाएं चोंच फैलाएं खाने को उद्दत हैं, कब मछली ऊपर उछले और उनका शिकार करूं। पर 8 पृष्ठ बाद ही इन्हीं जल रूपी श्रावकों को आप नौकर बताते हैं, आवाज उठाने पर जिन धर से अलग करने की धमकी दे देते हैं। यह कहते हुए एक पिता पुत्र को डांटते हुए कठोर शब्द का प्रयोग करके समझा सकता है, पर दुकान पर बैठे नौकर को यह अधिकार नहीं है कि पिता के डांटे हुए शब्दों का प्रयोग कर बेटे के लिए डांटे। यदि वह करता है तो भविष्य में अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार रहे, यानी आज के श्रावक इस समाज से हटे। बेटे मुनिराज हैं और श्रावक नौकर, पंडित भी नौकर के समान है। जिसे धर्म की दुकान पर काम करना चाहिए उसे धर्म के मालिक बनकर नहीं। महाराज, पिता ने अपनी वाणी में आगम के अंदर कहीं नहीं लिखा कि बेटे को रोकने का बताने का बिगड़न होने पर कि नौकर उसको कोई दिशा संबोधन नहीं दे सकता। दे सकता है महाराज, बिगड़न हो जाए दिशा नहीं हो जाए तो नौकर को भी अधिकार होना चाहिए कि वह संबोधन दे सके। उन्होंने तो नौकर और बेटे में भेद भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि धर्मव्रत के अंदर आगे दो पहिए हैं, दो पीछे हैं, आगे साधु और संत आरिका का है और पीछे श्रावक और श्राविका का है। आगे के दो पहिए वाहन के अंदर दिशा देते हैं, गाड़ी को घुमाते हैं किधर ले जाना है, और पीछे के दो पहिए ब्रेक के काम आते हैं, उस पूरे वजन को उठाने के काम आते हैं। और चारों पहिए जब एक दिशा में चलते हैं तो धर्मव्रत का वर्षा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। यह है हकीकत। प्रश्न 59 पर, महाराज आपने गर्व से इन पंक्तियों को मंडित तो किया है यह कहकर, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो मात्र अंधेरे से है, हवा बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा से कह दो कि कुछ अजमा कर दिखाए, बहुत बुझाती है एक जला के दिखाए। महाराज श्री, आपकी चार लाइनें के बाद मेरा भी आज चार लाइनें इस नौकर का भी सुनाने का थोड़ा मन कर रहा है। शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर राजा बाजार दिल्ली के अंदर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में महाराज जी एक विद्वत गोष्ठी हुई थी, समाज को बताना चाहते हैं। उसमें मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने क्या कहा आप सुनिए। ये सभी ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही अनुपम निधि हैं, और उन सब ग्रंथों का अगर उल्लेख करने का लिखने का श्रेय आचार्य गुंदगुंद देव के लिए जाता है, और वह सब कुछ इतिहास से स्पष्ट हो चुका है, तो आज के समय पर किसी भी प्रतिष्ठा के बीच में कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाना, यह हम समझते हैं एक अनेकांतवादी व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। किसी की प्रतिष्ठा को कलंक लगा करके या किसी की प्रतिष्ठा को कलंकित करके हम किसी की प्रतिष्ठा को बनाए, यह हमारे लिए जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा एक कुठाराघात करने का एक प्रश्न हो सकता है। और जैन संस्कृति पर अगर इस तरीके से कोई भी कुठाराघात हो रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहां पर बैठे हुए प्रत्येक मूर्धन्य विद्वान को अपने किसी भी अभिप्राय को किसी भी स्वार्थ की दृष्टि से ना देखते हुए, परमार्थ की दृष्टि से देखते हुए, केवल अनेकांतिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए अपने अंदर यह भाव लाना है कि हम किसी भी पूर्व आचार्यों की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं होने देंगे, केवल हमें इतना संकल्प आज करना है। क्या समझ आ रहा है? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, किन्हीं भी पूर्व आचार्यों की प्रतिष्ठा को कलंकित करके किसी भी अन्य आचार्य की प्रतिष्ठा को अगर हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। एक को कलंकित करके दूसरे की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य कोई भी विद्वान अगर करना चाहेगा या करने की मानसिकता रखता है, तो मैं उसे कभी भी जैन विद्वान नहीं कह सकता, मैं उसे अनेकांतिक दृष्टिकोण पर बांधने वाला विद्वान नहीं कह सकता। इतना मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि आपके लिए अनेकांत का एक एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है। इसका मतलब यह है,
हनीकाम दर्शन हमें क्या बताता है, अगर कहीं कोई लाइन ऊपर है, आगे एक बड़ी लाइन है, और हमें अगर अपनी लाइन को बड़ी बनाना है तो कभी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम उसको छोटी कर दो, मिटा दो, डस्टर से साफ करो। आप उसके आगे बड़ी लाइन अपनी अलग खींचो अगर आप उसको छोटी करना चाहते हो तो। और अगर आपके अंदर यह भी दृष्टिकोण है कि हमें सिर्फ छोटी करना है तो यह दृष्टिकोण भी आपका खराब होगा, यह दृष्टिकोण भी आपका गलत होगा। आइए अब जरा आचार्य श्री सुत सागर जी की भी सुन लें, वह क्या कहते हैं इस बारे में, मूलाचरण बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। देखो हमारे परंपरा कुंद कुंदाद्यो ही बोलने का है, परंपरा चल रही है और शिलालेखों में लिखा है, आपको सारे चीजें दिखाया कि उसके पीछे क्या कारण है जी। इसी वजह से कुंद कुंद आचार्य का नाम शुरू से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनको हम उनको विरोध करेंगे तो लोग भी हमारे विरोध करेंगे। अगर हम कुंद कुंद आचार्य के विरोध करेंगे कि क्या पंडित लोग विद्वान लोग चुप बैठेंगे, आप जवाब दीजिए, ठीक बात है, क्या और महाराज लोग चुप बैठ जाएंगे, साधु संत है। इसके अलावा कांदी स्वामी वाले तो उन्हीं को मानते हैं, वो और ज्यादा कड़े हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके के वाद विवाद वाले चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। कभी नगर गाजियाबाद में शास्त्री परिषद के 115 वर्ष के इतिहास में 128वां अधिवेशन हुआ, वहां पे पर्चे बांट दिए गए, मंगलाचरण व्याकरण से अशुद्ध है, और एक कई बड़े आरोप लगाए गए। नौकर हूं नौकर ही रहने दो, इस धर्म की दुकान का मालिक बनने की चाह नहीं, नौकर हूं जिनवाणी का तनिक भी मन में आह नहीं, दीपक जलाने को पारखियों को जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो अंधेरे में ही सर्प रस्सी का फर्क समझ लेते हैं, हवा के मजबूत थपेड़ों में दीपक जला सकते हो तो जलाओ, पर जलते को बुझाकर, जी हाँ महाराज, पर जलते को बुझाकर पुनः जलाकर अपना मत कहाओ, हिम्मत है थपड़े सो लड़ने की तो एक नया दीपक तो जलाकर दिखाओ। मुनिश्री मैं एक बात कहना चाहता हूं, व्याकरण से मंगलाचरण नहीं बनता, मंगलाचरण से व्याकरण बन जाता है, मंगलाचरण मंत्र अभिनंदित होता है, ओम और जय धर्मोस्तु मंगलम, ये मंत्र बनते हैं, इनसे व्याकरण की शुद्धि उसमें प्रकाशता की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर उपस्थित आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने भी क्या कहा एक बार यह सुन लीजिए। तो हमारी जो पूर्ववर्ती मंगलाचरण की जो परंपरा है, वे परंपराएं जो यहाँ पूरा विद्युत समाज बैठा हुआ है, इस तरह की जो चीजें किसी के द्वारा की जा रही है, समाज के द्वारा या समाज द्वारा, उचित नहीं है। हमारे कुंद कुंद स्वामी का पूरा महत्व रहा है, जो हमारी परंपरा है उसमें एक लग दिया है कि उस व्याकरण की दृष्टि से गलत है, बाहरे वाह लिखने वाले और जो कर रहे हैं वो हमारा मंगलम भगवान यूरो मंगलम गोत्रमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्त मंगलम, वो कहता है व्याकरण से गलती है, कौन सा व्याकरण आ गया जो ऐसी बात करता है भाई, व्याकरण तो हमारे आचारों के अनुसार चलती है, हमारे आगम से व्याकरण चलती है, हमारे आचारों जो व्यवस्था बनाई है व्याकरण बनाने वो है। तो भैया इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, हमें ऐसे प्रसंगों में सावधानी की आवश्यकता है। कुंद कुंद स्वामी का पूर्ण महत्व, उनके प्रति श्रद्धा आस्था समाज की रही है, और उस आस्था को हमें बलवत, कोई भी इस तरह की बात विद्वान करता है, समाज करता है, साधु करता है, तो बिल्कुल हमारी जो अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद है, विद्युत परिषद है, हमारी आगम की जो परंपरा है, उन आगम की परंपरा से हटके कोई भी गर्व करता है तो यह है छमिनी होगा। इसलिए हम ऐसी कोई भी चीज न करें जो हमारे आगम व आचारों की प्रतिकूल चीज है, और किसी आचार्य का माने हमारे आपके घटाने से प्रभाव घटने वाला नहीं है, वे कुंद कुंद स्वामी तो, लेकिन इसलिए इस तरह की चीजों के प्रति हमारा विद्युत समाज, युवा पीढ़ी के विद्वान जागरूक हैं, कोई भी आगम के प्रतिकूल चर्या करता है हम, लेकिन वैसे हम शांत हैं, और कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए फिर हमारा आचार और हमारा अनेकांतवाद शादवाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की सुरक्षा, क्योंकि आज वैज्ञानिक परिवेश में उत्तरवर्ती मानते हैं, हमारे यहाँ कोई विषय होते हैं, अरे वीरसेन स्वामी से पूछो जब तीन मत उनके सामने आए तो कौन सा सही है, वे कहते गौतम पूछे मैं तो छद्मस्त हूँ,
और हम आजकल कुंद स्वामी जैसे आचार्यों को उनका अपलाप करने लगे हैं। इस तरह की चीजें हम नहीं सुन सकते जो आगम के प्रतिकूल होगा। हमारे आचार्यों के प्रति किसी ने कोई भी इस तरह की बात कही है तो वो उचित नहीं है, इसलिए हमें इन सब चीजों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। उस अधिवेशन में हम भी उपस्थित थे, रहा नहीं गया हमसे भी यह चुपचाप सुनते हुए सहन करते हुए। हमने भी जैन धर्म संरक्षण महासंघ का नेतृत्व करते हुए क्या कहा एक बार आप भी सुन लें, एक छोटा सा क्लिप उसका। एक किताब मिली है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगा, सिर्फ इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। महाराज जी, इसके बारे में आपसे 6 महीने पहले मिला था और इस कतार में जितने 4 विद्वान बैठे ना बड़े, उन सब से भी मिला था। कल भी बात कहूंगा आप लोगों से, किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी। अभी एक सज्जन विद्वान ने कहा, कतिपय लोगों ने कुछ कहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती सही बोलने की, हमारी हिम्मत क्यों डर जाती है? क्या आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा कि हम इस मंगलाचरण को बदलना चाहते हैं? एक हाथ उठाइए आप में से, तो मैं मानता हूं आप बदलना चाहते हैं। तभी जवान में क्यों पीछे बोलते हैं, सामने आने में हिम्मत क्यों नहीं होती? इसमें एक बात कही गई है, कल एक पर्चे बांटे गए आपके यहां पर, वो सज्जन भी बैठे होंगे इसमें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं किसने बांटे, कि यह असल से नकल है। उन्होंने कह दिया मंगलम विष्णु से, शायद यह हिंदू धर्म से बेच हटाकर इसमें ला गया। क्या इतिहास किसी को मालूम है कि वह हिंदू मंगलम बला गया या पहले हमारा कुंद कौंदियों वाला मंगलाचरण पहला था? किसी को नहीं मालूम कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था, लेकिन दोनों की हकीकत सही मानी जाती है। फिर यह क्यों कहा गया कि हिंदू का धर्म बदल कर यह जैन धर्म में आया, और आपने भी तो उसमें उसको कट पेस्ट कर दिया, तो आपने असल को नकल नहीं बनाया? हम अपनी बात नहीं सोचते कि मैंने अपने बात क्या किया है, दूसरे की गिनती देखते हैं हम। मैं कहता हूं किसी को उठाना है तो उठाओ, बहुत उठाओ, सब पूजनी है सब वंदनी है, पर दूसरे की टांग खींचकर अपने को ऊपर मत उठाओ। सादर जय जिनीन। उस शास्त्रीय परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ, यह प्रस्ताव अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद का यह अधिवेशन प्रस्ताव करती है कि वर्तमान में आचार्य कुंद स्वामी के अवदान से कुंद आमनाय के अंतर्गत उनकी प्रतिष्ठा स्वाध्याय की परंपरा जीवंत है, परंतु एक पुस्तक सामने आई है जिसका नाम है मंगलम पुष्प दंता द्यो, उसके द्वारा इस परंपरा का पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, विरोध हो रहा है। शास्त्रीय परिषद आचार्य भूतबलि एवं आचार्य पुष्पदंत के महनीय योगदान को कभी विस्मृत नहीं करना चाहती, परंतु प्रचलित परंपरा का यह विरोध असहनीय है, इसलिए ये संस्था शास्त्रीय परिषद इस प्रकार की गतिविधि का पुरजोर विरोध करती है। मैं प्रस्तावक और समस्त शास्त्रीय परिषद, यदि आप करतल ध्वनि से पता चल गया है तो इस बात का समर्थन करती है, और आप भी यथाशक्ति इसका विरोध करें। शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्यांश कुमार जैन जी ने भी स्पष्ट कह दिया कि एक आचार्य के लिए सभी आचार्यों की बलि नहीं दी जा सकती, और उन्हें क्या कहा एक बार सुनिए थोड़ा सा। जब धर्म का नाश हो, सिद्धांत में बाधा पड़ने लगे, अनाचार फैलने लगे, तो विद्वानों को बिना किसी के पूछे, बिना किसी के कहे, स्वयं आगे आकर उनको दबाना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, उस अनाचार आदि की परंपरा को सब। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम एक आचार्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रतिष्ठा को कभी गिराएं नहीं। दूसरे की प्रतिष्ठा सभी आचार्य हमारे विद्वान जानते हैं, चाहे आचार्य श्री को नहीं होगा पता। उस समय पंडित कैलाश चंद जी ने एक बात कही जब कि हम एक आचार्य के नाम पर सभी आचार्यों की बलि नहीं चढ़ा देंगे, एक आचार्य के नाम पर हम सभी आचार्यों की बलि नहीं चढ़ा देंगे। अध्यात्म विद्या में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावना की है तो उन आचार्य का नाम है कुंद स्वामी, और उसके कारण ही मंगलाचरण में उनको स्थान दिया, क्योंकि उस काल वो काल अध्यात्म का काल था,
पहली सती दूसरी सती का काल अध्यात्म का काल था, और अध्यात्म के काल में उनने बहुत लेखनी चलाई, तो सब लोगों ने उनका स्मरण किया, उनको बहुत सिर पर बिठाया, उनका बहुमान सम्मान किया, और भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद उनको स्थान दिया। एक बात हम फिर आप लोगों से कहना चाहते हैं, सभी से कहना चाहते हैं, चाहे वे साधु हैं, संत हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, विद्वान हैं, इस तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त मत करिए। आगम का विस्तार करिए, विश्लेषण करिए, समझाइए, बढ़ाइए, लेकिन उसका चीरहरण मत करिए। आगम को अपनी भाषा में मत परोसिए, आगम को उसकी भाषा में ही परोसिए। अगर आज ये चीरहरण हो रहा है तो कल कोई आके और छेड़छाड़ करेगा, फिर चीरहरण करेगा, आगम के शब्द को आगामा करके गम में डाल देगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सही को सही कहिए, लेकिन गलत बात को सही सिद्ध करना हम अपने बस में नहीं रखें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हैं और क्षमा चाहते हैं अगर आपको ये हमारा एपिसोड बुरा लगे, हमारी बात कड़वी लगे, पर हम चाहेंगे आगम को आगम ही रहने दो, अपनी भाषा को आगम मत बनाओ, और किसी को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचे मत गिराए। सादर जय जिनेंद्र।